फ्री स्पीच, ये वही वर्ड है जिसका एलन मस्क लगातार यूज कर रहे हैं। एलन मस्क वही जिन्होंने रात से खबरों में खलबली ला दी जब हम और आप सो रहे थे, वजह ट्विटर को खरीदकर। 44 अरब डॉलर की ये डील करने के बाद तुरंत मस्क ने फ्री स्पीच पर जोर दिया। उन्होंने कहा, फ्री स्पीच एक कामकाजी लोकतंत्र का आधार है। ट्विटर को खरीदने में पहले से ही एलन की रुचि थी। बड़ी बात यह है कि फ्री स्पीच पर उनका इतना जोर है कि वो चाहते हैं कि उनके आलोचक उनके बारे में भी बुरी बातें लिखना जारी रखें। हालांकि उनकी एक साइड ये भी है जो दिखाती है कि वो कई मौकों पर आलोचना को हल्के में नहीं लेते, लेकिन जिस फ्री स्पीच की मस्क डींगे हाँक रहे हैं उस पर खुद मस्क कितना खरा उतरते हैं। इस बारे में टेस्ला के कर्मचारियों से जब बात की गई तो हकीकत इससे कोसों दूर थी। मस्क के बारे में कहा जाता है कि जब फ्री स्पीच की बात आती है तो वो कम ही सहनशील होते हैं। जैसे टेस्ला के कर्मचारियों को बिना लास्ट डेट के गैर असमानता क्लॉज पर हस्ताक्षर करने के उदाहरण है। यही वो क्लॉज है जो किसी भी कर्मचारी को कंपनी की किसी भी बात के बारे में नेगेटिव बोलने से रोकता है। वही टेस्ला के एक दूसरे पूर्व कर्मचारी जिसने गैर असमानता क्लॉज पर साइन करने से मना कर दिया तो उसे कंपनी से हटा तक दिया गया। क्लॉज में साफ साफ लिखा था कि आप किसी भी तरीके से कंपनी की इमेज को हार्म नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक यही उदाहरण नहीं है जो अटपटा लग सकता है। 2018 की बात करें तो टेस्ला के कर्मचारी कार्ल हैंसेन ने आरोप लगाया था कि चोरी को छिपाने और श्रमिकों की जासूसी करने के लिए इलेक्ट्रिक कार निर्माता के खिलाफ विसल ब्लोअर शिकायत दर्ज करने के बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि टेस्ला ने वायर टैपिंग और उनके स्मार्टफोन और कंप्यूटर को हैक करके कर्मचारियों की जासूसी की। यहाँ तक कि मस्क पर प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है।